हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टा ने कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपन देखेंगे इस पार्ट थ्री के अंदर कि कैसे गवर्नमेंट जो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई थी, जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, उसको कंट्रोल करती है। कंट्रोल दो जने करने वाले हैं, एक तो गवर्नमेंट करेगी अपने फिस्कल मेजर्स के थ्रू और एक आरबीआई करेगी अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। तो चलिए देखते हैं अपन, पहले अपन देखते हैं फिस्कल पॉलिसी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उनको अपन फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं। देखिए क्या क्या वो मेजर्स लेती है। फर्स्ट जो मेजर आता है वो आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए दोनों सिचुएशन मैंने यहां पे लिख दी है। मार्केट में यदि डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करती है। देखिए अपन को ये चीज पता है कि डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का एक कॉम्पोनेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है। और यदि गवर्नमेंट डेफिशिएंट डिमांड के केस में अपना एक्सपेंडिचर यदि इंक्रीज कर दे तो ऑटोमेटिक ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। जस्ट ऑपोजिट, यदि मार्केट में ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा कम ही रखेगी, डिक्रीज कर लेगी, जिससे कि जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है टैक्सेस। अब देखिए टैक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिशिएंट डिमांड, मार्केट में ऑलरेडी डिमांड कम है तो ऐसे में टैक्सेस की जो रेट होती है वो कम कर देती है, जिससे कि जो पीपल है, जो पब्लिक है, उनके पास में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचे, टैक्स उनको कम देना पड़े तो उनके पास में ज्यादा खर्च करने के लिए पैसा बचेगा, तो ऑटोमेटिक वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे। तो जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन थी वो ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी कंट्रोल होने लग जाएगी। और जस्ट इसके ऑपोजिट, जब एक्सेस डिमांड है तो इस टैक्सेस को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है पब्लिक बोरोइंग। देखिए गवर्नमेंट पब्लिक से भी पैसा बोरो करती है। जब मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड मतलब लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट अपनी पब्लिक से जो बोरोइंग करती है वो कम करती है, वो ज्यादा बोरोइंग्स नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं हो रही है। अभी इनसे और ज्यादा अपन पैसा बोरो कर लेंगे तो इनके पास में और भी कम पैसा रह जाएगा, जिससे कि मार्केट में और ज्यादा डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। तो ऐसे में पब्लिक बोरोइंग को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। और यदि मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से ज्यादा पैसा बोरो कर लेती है। बोरो कैसे करती है, उनको अट्रैक्टिव रेट पे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है। तो इस पैटर्न से गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करती है जब एक्सेस डिमांड होती है। तो उसमें क्या होता है, जो पब्लिक के पास में ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है जिससे कि वो ज्यादा खर्चा कर रहे थे, वो अब कंट्रोल में आ जाता है। और नेक्स्ट आता है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। अब देखिए जब डेफिशिएंट डिमांड है तब गवर्नमेंट आरबीआई से ज्यादा पैसा बोरो करती है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पैसा आ जाता है। अब जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। तो डेफिशिएंट सिचुएशन के अंदर मार्केट से, मतलब आरबीआई से, गवर्नमेंट ज्यादा अपनी बोरोइंग कर लेती है। और जब एक्सेस डिमांड होती है तो ऐसे में गवर्नमेंट आरबीआई से कम पैसा बोरो करती है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही नहीं है, और करना ही नहीं है तो वो आरबीआई से पैसा कम बोरो करती है। तो इस पैटर्न से गवर्नमेंट चार मेजर्स के थ्रू, जिसको अपन फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं, उनसे देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है, या फिर अपन बोले कि डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करती है। इसी पैटर्न से आरबीआई भी अपना काम करती है। आरबीआई की जो पॉलिसीज होती है उनको अपन बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। जैसा कि अपन ने बैंकिंग चैप्टर में देखा था, ये सेम पॉलिसीज है, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, ये सेम चीजें हैं। तो देखिए ये जो चार स्टार्ट के लिखे हुए हैं ये मेरे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, और लास्ट के जो तीन हैं वो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, आप इसे देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, ये आप पहले वापस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, ये आपको आ जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होएगा, जब आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में पैसा नहीं है तो इस रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इजीली लोन दे पाए, या फिर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से इजीली लोन ले पाएंगे और वो फिर पब्लिक के अंदर भी ज्यादा लोन दे पाएंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट, एक्सेस डिमांड के अंदर आरबीआई इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी। सेम सीआरआर और एसएलआर के लिए भी हो जाएगा,
डेफिशिएंट डिमांड में ये डिक्रीज हो जाएंगे और एक्सेस डिमांड में ये इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैंने आपको पहले बता रखा है कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को पब्लिक में सेल या परचेज करती है। जब मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी, जिससे कि जब वो परचेज करेगी तो वो मार्केट में पैसा दे देगी। मार्केट में पैसा आ जाएगा तो जो डिमांड कम हो रही थी वो वापस से कंट्रोल में आ जाएगी। सेम इसका ऑपोजिट, वो सेल कर देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्सेस डिमांड में। देन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब अपन लोन लेने जाते हैं बैंक से तो वहां पे अपने इसको कुछ सिक्योरिटीज देनी पड़ती है। वो जो सिक्योरिटीज होती है वो अपने को कुछ ज्यादा देनी पड़ती है। जैसे कि 1 लाख का लोन लेना है तो आपको 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। तो जब मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई कहती है कि इन सिक्योरिटीज को, इन इस मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दो। मतलब आपको यदि 1 लाख का लोन लेना है तो अब आपको सिर्फ 1,20,000 की ही सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और जस्ट इसका ऑपोजिट, जब मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई इसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट आता है मॉरल सिचुएशन। जब मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, ऑलरेडी लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो लोन देने के अंदर आरबीआई क्या बोलती है कमर्शियल बैंकों की, आप लिबरल लो, आप इजीली लोन दे दो। और यदि मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो आप क्या हो जाओ, सेलेक्टिव हो जाओ, बहुत ज्यादा आपको लोन देना ही नहीं है, सेलेक्टिव पर्सन को आपको लोन देना है। और नेक्स्ट आता है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि आप सेक्टर वाइज आपकी लिमिट डिसाइड कर लो कि आप इस सेक्टर के अंदर इतना लोन देना चाहते हैं, इतना लोन देना चाहते हैं। तो जब मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड रहती है तो इजीली लोन दिया जाता है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा लोन दिया जाता है। और जब मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड होती है तब लोन बहुत ही मुश्किल से दिया जाता है, बहुत ही रेस्ट्रिक्शन किए जाते हैं उसके ऊपर। तो इस पैटर्न से आरबीआई और गवर्नमेंट डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल में करती है। तो आई होप आपको ये जो क्लास है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 9 गवर्नमेंट बजट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। चलिए, ओके, थैंक यू।